रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि देश सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा, पुलवामा हमले के कुछ दिन बाद हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं। केरल के कोलम में माता अमृतानंदमयी के 66वें जन्मदिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा, जो देश अपने सैनिकों का बलिदान याद नहीं रखता, दुनिया में कहीं भी उसका सम्मान नहीं होता। देश के लोगों को सुरक्षा बलों के परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। देश की समुद्री सीमा सुरक्षित है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा। अपनी सेना और सुरक्षा बलों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2008 में मुंबई हमले जैसी घटना किसी भी सूरत में दोहराई नहीं जाएगी। हम समुद्री सीमाओं से विदेशी आतंकवादियों के घुसने के प्रयास से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह कच्छ से केरल तक फैला हुआ है। देश के रक्षा मंत्री के तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपने देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन पाए जाने के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए- मोहम्मद पर देश में बड़े आतंकी हमले करने की आशंका जताई थी। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई बड़े नेताओं को निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी। हाल ही में भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन मिलने के बाद सीमा पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।